भिलाई चिरौदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने वार्ड क्रमांक 40 गनियारी में निर्मित गौठान का लोकार्पण किया। उन्होंने महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से गौठान में गोबर खरीदी का शुभारंभ भी किया। पहले दिन 200 किलो गोबर की खरीदी की गई। महापौर ने गनियारी के गौठान को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। महापौर निर्मल कोसरे ने ग्राम गनियारी में नगर निगम द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से लगभग 4 एकड़ जमीन पर बनाए गए गौठान का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने भ्रमण कर डबरी, कोटना, पानी की व्यवस्था, शेड, चारागाह आदि का निरीक्षण भी किया। उन्होंने गायों की पूजा की और चारा भी खिलाया। महापौर ने गौठान का संचालन करने वाली करुणा माता महिला स्व सहायता समूह, गुरु वंदना महिला स्व सहायता समूह, नई दिशा महिला स्व सहायता समूह और जय मां शाकंभरी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को मवेशियों के लिए चारा सहित सब्जी व फल फूल के पौधे रोपित कर आय अर्जित करने हेतु प्रेरित भी किया। महापौर ने कहा कि गनियारी का ये गौठान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार की नरवा गरवा घुरवा बारी के अवधारणा को भिलाई चिरौदा नगर निगम क्षेत्र में साकार करने में सफल होगी। आने वाले दिनों में इस गौठान को मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। नगर निगम भिलाई चिरौदा के द्वारा 40 नंबर वार्ड गनियारी, जो कि मेरा खुद का वार्ड है, वहाँ पर गौठान का निर्माण किया जा चुका है और आज दिनांक से हम लोगों ने गोबर खरीदी की शुरुआत की है। गोबर खरीदी के उपरांत जो भी गोबर हमको वहाँ से क्रय होंगे, गनियारी के, मोरित के और सोमनी के, किसान भाई अपना पशुओं का गोबर वहाँ पर बेच सकते हैं। हर 15 दिन में उसका भुगतान किया जाएगा और उनके लिए एक कार्ड बना हुआ है। जो भी हितग्राही है, उस हितग्राही का उसमें पंजीयन होगा और उनका आधार कार्ड और बैंक का खाता, बैंक खाता में सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी हर 15 दिन में ट्रांजेक्शन करते हैं और उसके आधार पर उसको पैसा जाएगा। रोज़ हम लोग डायरी मेंटेन करवा रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन करवा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आज जितना भी किलो गोबर बेचेंगे उनको वहाँ पर नोट किया जा रहा है और क्रमवार गोबर खरीदने वालों की सूची बनाया जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ जो महिला स्व सहायता समूह है, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण अभी एक दिन बाद से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण शुरू हो जाएगा। चूंकि प्रारंभिक तौर में नगर निगम भिलाई चिरौदा में ये पहली बार में हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर को बुलाया हुआ है। इससे पहले हमारे सिरसा में वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। गौठान में पहली बार हम लोग वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करने का लक्ष्य रखे हैं और उम्मीद करते हैं कि बरसात के पहले एक बम्पर तरीके से हम लोग वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करेंगे। गौकास्ट का निर्माण होगा और कंडे जो हैं, क्योंकि खाली जगह है, कंडे का निर्माण भी वहाँ किया जाएगा। महिला समूह फूल लगाने के लिए, गेंदा के फूल लगाने के लिए उन लोग इंटरेस्टेड थे, तो मैंने कहा कि एक जगह हम उनको दे रहे हैं ताकि वहाँ फूल और सब्जी का उत्पादन भी कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 रुपये का राशि उनमें तय किया गया है, तो 2 रुपये में ही उनको क्रय किया जाएगा और वर्मी कंपोस्ट के लिए 10 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। जो महिला स्व सहायता समूह वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करेंगे उनके खाते में 3 रुपये राशि ट्रांसफर होंगे। महिला स्व सहायता समूह चाहें तो स्वयं भी गोबर, अपने वार्डों का गोबर ला के बेच भी सकते हैं, उनको भी उनसे लाभ होगा। इस अवसर पर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी चंद्राकर, पूर्व पार्षद धर्मेंद्र कोसरे, अशफाक अहमद, वार्डवासी सहित बड़ी संख्या में महिला स्व सहायता समूह की सदस्य और ग्रामीण शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।